कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर गहरी चिंता भी जताई और कहा कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से कहा कि संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के साथ साथ ऐसी ताकतों का गठजोड़ कनाडा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए, जिस पर कनाडा के पीएम ने कहा कि कुछ लोगों की हरकतें पूरे समुदाय या कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। लेकिन जस्टिन ट्रूडो कल वापसी करने वाले थे, उनकी फ्लाइट फंस गई, वो अब भी भारत में है। जब वहां सरी में खालिस्तानी ताकतों ने वहां पर प्रदर्शन किया, रेफरेंडम चलाया, जस्टिन ट्रूडो भारत में और उनके देश में सरी में भारत के खिलाफ मुहिम, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और सुब्रमण्यम जयशंकर के खिलाफ नारेबाजी नहीं, उनके मौत का भी ऐलान किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। G20 में भारत ने दुनिया के दिग्गजों को एक बड़ा मंच दिया। आतंकवाद से लेकर विकास तक विश्व के बड़े नेताओं ने एक दूसरे के सामने अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी की कनाडा के पीएम से मुलाकात हुई तो उन्होंने खालिस्तान का मुद्दा उठाया, जहां पहले तो ट्रूडो खालिस्तान पर सफाई देते दिखे, फिर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का वादा करने लगे। दुनिया के दिग्गज नेताओं की दिल्ली के दरबार में महफिल सजी। बाइडेन से लेकर मेलोनी तक और ट्रूडो से लेकर ओलाफ तक कई दिग्गज 3 दिन तक दिल्ली की चार दीवारी में विकास, अर्थव्यवस्था और आतंकवाद पर मंथन करते दिखे। भारत की मेजबानी में G20 समिट का अब समापन हो चुका है। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। रक्षा और अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दे दोनों देशों के दिग्गजों ने एक दूसरे के सामने उठाए। दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री मोदी की बैठक जारी रही। इनमें से एक बैठक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ भी हुई, जहां दोनों नेताओं ने भारत कनाडा संबंधों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक तस्वीर भी शेयर की। खबर है कि काफी देर तक चली इस बैठक में भारत ने खालिस्तान, आतंकवाद और विदेशी दखल का मुद्दा उठाया। It's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. मुलाकात में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सफाई देते दिखे। ट्रूडो ने साफ कर दिया कि आतंकवाद या विदेशी दखल या कोई भी संवैधानिक हरकत का कनाडा समर्थन नहीं करता है। कनाडा हमेशा ही अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करेगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की रक्षा करेगा, नफरत के खिलाफ आवाज उठाएगा और कानून व्यवस्था का सम्मान करेगा। Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. ये कोई पहली बार नहीं है जब कनाडा पीएम के सामने भारत ने खालिस्तान का मुद्दा उठाया और कनाडा उसको डिफेंड करता दिखा। कनाडा पहले भी प्रदर्शन के नाम खालिस्तान को सपोर्ट कर चुका है। वो ऐसे कि इस साल मार्च में जब कनाडा के भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तान समर्थकों ने हंगामा किया था, उस समय भी भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी, उसका खुलकर विरोध किया था। इसके अलावा कनाडा में अल्पसंख्यकों पर ज्यादती को लेकर भी कई बार खबरें सामने आई। अपनी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के साथ कई मुद्दों पर कनाडा के साथ अपने विचार साझा किए हैं और इनसे निपटने में उनका सहयोग मांगा है। भारत ने G20 के कई मायनों में इतिहास रच दिया। जिस चीन को लग रहा था कि शी जिनपिंग ही G20 का भविष्य तय करेंगे, उस चीन को भारत ने चारों खाने चित कर दिए। एशिया से अफ्रीका तक, अफ्रीका से यूरोप तक, यूरोप से दक्षिण अमेरिका तक, अब भारत ने चीन को चारों तरफ से घेर लिया है। अमेरिका, अरब देश और यूरोपियन यूनियन ने पीएम मोदी को वो कमान सौंप दी है जिसने भारत को सुपर पावर बना दिया है। देखिए,